नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल RBSC ऑनलाइन क्लासेज में। इस वीडियो में अपन बात करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक यानी पैराग्राफ कैसे लिखना है उसके बारे में और क्या क्या बातों को हमें ध्यान रखना होता है ताकि हमारे नंबर है वो बिल्कुल नहीं कटे। 4 नंबर का पैराग्राफ है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और किस तरह से लिखना है, क्या इसके अंदर ट्रिक है और कौन कौन से महत्वपूर्ण पैराग्राफ है इस बार के लिए, तो वो देखते हैं इस वीडियो में। तो ध्यान से पूरा वीडियो देखिएगा, बहुत हेल्प मिलने वाली है ताकि आप इसका अपना जो शॉर्ट पैराग्राफ है वो आसानी से लिख पाए। तो चलिए हम देखते हैं किन किन बातों का पहले इस पैराग्राफ लिखते हुए ध्यान रखना है, फिर देखेंगे हम पैराग्राफ लिखने की ट्रिक क्या है और उसके बाद हम देखेंगे पैराग्राफ कौन कौन से है इंपॉर्टेंट। तो चलिए हम बात करते हैं सबसे पहला जो पॉइंट है इसके अंदर, जो रूल ध्यान में रखना है, सबसे पहला जो रूल है टेंस का सही प्रयोग करना। सबसे पहले हमें सबसे महत्वपूर्ण बात ये ध्यान रखनी होती है कि हमें जो शॉर्ट पैराग्राफ है वो लिख रहे हैं उसके अंदर टेंस का अच्छे से ध्यान रखना होता है। टेंस का बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखें और टेंस में लिखते हुए हमें यह ध्यान रखना होता है कि जिस सेंटेंस टेंस के अंदर अपन पैराग्राफ लिख रहे हैं पूरा पैराग्राफ उसी टेंस के अंदर लगभग चलता है। अगर प्रेजेंट टेंस का है तो पूरा प्रेजेंट टेंस में चलेगा और पास्ट टेंस का है तो पूरा पास्ट टेंस में चलेगा। दूसरा होता है वाक्यों को बार बार न दोहराएं, ये भी बात बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार हमें होता है अगर हमें पूरा पैराग्राफ नहीं आ रहा होता है तो हम क्या करते हैं, बार बार एक ही वाक्य को बार बार दोहराते हैं, एक ही सेंटेंस को दोहराते रहते हैं, तो वो भी हमारा नेगेटिव पॉइंट चला जाता है और फिर हमारे नंबर कट हो जाते हैं। और तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट है शब्द लिमिट का ध्यान रखना, जितने शब्दों में आपको कहा गया है लगभग उसी शब्दों में लिखने की कोशिश करें, उससे कम लिखेंगे तो भी आपके लिए नुकसान है और ज्यादा लिख देंगे तब भी आपके लिए क्या हो सकता है, वो आपके लिए नुकसान कर सकता है, नंबर आपके ज्यादा लिखने पर भी कटे जा सकते हैं। तो जहां तक संभव हो जितने आपको वर्ड लिमिट कहा गया है उतने वर्ड लिमिट में पैराग्राफ लिखने की कोशिश करें। अब यहां पर यह ध्यान रखना है कि जो हम आपको बात की है टेंस के अंदर तो कौन सा टेंस है। देखो एक आपका चलता है प्रेजेंट टेंस और दूसरा चलता है हमारा पास्ट टेंस के अंदर, दो टेंस के अंदर हमारे क्या चलते हैं पैराग्राफ चलते हैं। प्रेजेंट टेंस में कौन से होते हैं, जो हम डेली लाइफ में जो डेली रूटीन के हमारे पैराग्राफ होते हैं, जैसे माय हॉबी हो गया, माय बेस्ट टीचर हो गया, माय फेवरेट टीचर, माय, तो इस तरह के जो है मॉर्निंग वॉक हो गया, ये हमारे कौन से होते हैं, ये हमारे प्रेजेंट टेंस के अंदर चलते हैं। पास्ट टेंस में कौन से चलते हैं, जैसे आपसे कह दिया एक पिकनिक के बारे में लिखना है, कोई हिस्टोरिकल टूर के बारे में लिखना है, तो इस तरह के जो पैराग्राफ होते हैं कहीं टूर के कहीं सीन के, तो वो सारे किसके अंदर आ जाते हैं, वो हमारे पास्ट टेंस में चलते हैं सारे। तो इन बातों का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। तो अब हमें पता चल गया कौन से टेंस में हमें सेंटेंस बनाने हैं। तो अगर आपको टेंस आते हैं तो वहां पर आप यूज कर सकते हैं, आप टेंस का यूज करते हुए शॉर्ट वाक्य छोटे छोटे वाक्य हिंदी में सोचकर आप उसकी इंग्लिश बना दे, वो भी हमें हो सकता है। अब हम देखते हैं इसकी इंपॉर्टेंट ट्रिक कौन सी है। तो चलिए हम बात करते हैं इसकी इंपॉर्टेंट ट्रिक की, तो वो है देखो हम इतने सारे पैराग्राफ इस ट्रिक से कर सकते हैं। कौन कौन सा देखो पैराग्राफ है, ए पिकनिक आ जाए, ए विजिट टू हिस्टोरिकल टूर पैलेस आ जाए, हिस्टोरिकल टूर आ जाए, या फिर ए बस स्टेशन आ जाए, सीन ऑफ बस स्टेशन, सीन ऑफ रेलवे स्टेशन, रेलवे प्लेटफॉर्म, ए विजिट टू ए जू आ जाए, मतलब चिड़ियाघर के बारे में आ जाए, विजिट टू ए बुक फेयर आ जाए, या फिर विजिट टू ए फेयर आ जाए, विजिट टू ए विलेज फेयर आ जाए, या फिर एन इलेक्शन सीन आ जाए, इतने में से कोई भी आ जाए आप इस ट्रिक का यूज करके इसको कर सकते हो। ये सारे पास्ट टेंस वाले हैं, ये सारे एक सीन वाले हैं जिसमें कोई दृश्य की बात की जाती है उसके बारे में है, तो उसके अंदर हमें क्या करना है, वो कौन कौन से वाक्य सेंटेंस हमें ध्यान रखना है। इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट देखो सबसे ज्यादा बार एग्जाम में ये पूछा गया है, या फिर हिस्टोरिकल टूर कह दो या फिर ये कह दो, एक ही बात है, ए विजिट टू ए जू, ये पूछा जा सकता है, बहुत महत्वपूर्ण। इसमें हमें क्या करना है, आपको मैंने ये बता दिया, ये आप इन वर्ड का यूज करके आपको क्या करना है पूरा पैराग्राफ बना देना है और कुछ सेंटेंस आपको अपनी तरफ से ऐड करने हैं वो देखिएगा। तो सबसे पहले लिखना है लास्ट डे आई वेंट टू गो, अब जो टॉपिक है हमारा वो लिख देंगे, ए हिस्टोरिकल टूर है तो हिस्टोरिकल टूर लिख देंगे, ए पिकनिक है तो ए पिकनिक लिख देंगे, विजिट टू ए जू है तो विजिट टू लिख देंगे। यहां पर जो हमारा टॉपिक है उसका नाम हम क्या करेंगे लिखेंगे, जो हमारा टॉपिक है वो लिख देंगे, जैसे ए पिकनिक है तो गो टू ए पिकनिक, पहली लाइन हमारी कंप्लीट होगी। उसके बाद में आई वेंट देयर विद माई फ्रेंड्स, आई वेंट देयर विद माई फ्रेंड्स, यानी मैं अपने दोस्तों के साथ वहां गया, अब पिकनिक पे गए जहां भी। उसके बाद में आई सॉ देयर मैनी पीपल्स, मैंने वहां पर बहुत सारे लोगों को देखा, मतलब हमने ये वहां बहुत सारे लोगों को देखा। सम पीपल वर गोइंग हेयर एंड देयर, कुछ लोग इधर उधर जा रहे थे, अब वो आप पिकनिक जाएंगे वहां पर भी तो लोग होंगे, वो इधर उधर जा रहे होंगे, या फिर आप किसी मेले में गए होंगे तो मेले में भी लोग इधर उधर जाते रहते हैं, तो इस तरीके से हम बना सकते हैं, ठीक है। उसके बाद एंड सम पीपल वर सिटिंग हेयर एंड देयर, सम पीपल वर सिटिंग हेयर एंड देयर, कुछ लोग इधर उधर बैठे थे। चिल्ड्रंस वर क्राइंग एंड प्लेइंग,
चिल्ड्रंस वर क्राइंग एंड प्लेइंग, बच्चे जो थे वो कुछ चिल्ला रहे थे और कुछ बच्चे खेल रहे थे वहां पर। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, अपने सेंटेंस ये है, इनको आप यूज कीजिएगा। उसके बाद में हमने यहां पर लिखा है, ये जो है टॉपिक्स में से लिखें। अब जो हमारा टॉपिक है उससे रिलेटेड हमें चार पांच लाइनें बनाकर लिखनी है, ठीक है। अगर मान लो हम एक पिकनिक की बात करें, तो पिकनिक के अंदर वहां पर हमने क्या क्या चीज खाई, वहां पर क्या क्या देखा हमने, वी सॉ ए, जैसे हम मान लो वहां पर कुछ चीज देखने गए थे, तो हमने वहां पर जैसे मान लो हवा महल देखा, जयपुर में हम गए तो हवा महल देखा, या कोई भी है चिड़ियाघर देखा वहां पे, इस तरह से हमने पिकनिक मनाई वहां पे, या फिर और हमने वहां पर गेम्स खेले। तो इस तरह के वाक्य हमें इंग्लिश में बनाकर लिखने हैं। अगर मान लो हमने क्या है चिड़ियाघर के बारे में बात करें, विजिट टू ए जू के बारे में, तो हमने वहां पर वहां से वी सॉ मेनी एनिमल्स, लाइक जो हम एनिमल्स वहां पर देखे, हमने शेर देखा, ठीक है, टाइगर देखा, बियर देखे, मंकीज देखे, इस तरह से हम अपने सेंटेंसेस बनाकर लिखना है। इसके बाद में लास्ट लाइन लिखनी है, वो है वी टुक रेस्ट फॉर सम टाइम्स, फिर हमने क्या किया, कुछ रेस्ट किया, एंड सम एंड कम बैक, यहां पर क्या है कैम बैक, सी ए एम ई कैम बैक, एंड वी कैम बैक, ठीक है, इसको लिखना है। और फिर वी एंजॉय इट वेरी मच, और हमने इसको क्या किया, बहुत एंजॉय किया। तो ये सीन वाले जितने भी है ना, लगभग एक बात ध्यान रखना है, अगर इलेक्शन सीन आ जाए, इलेक्शन सीन वाला आ जाए, तो हमें ये चिल्ड्रन वाली लाइन यहां से हटा देंगे, क्योंकि यहां बच्चों का कोई रोल नहीं होता है वहां पे, ठीक है। बाकी हम वैसे के वैसे लिख सकते हैं, वहां पर भी बहुत सारे लोग होते हैं, वहां पर बहुत सारी लाइनें लगी होती है, ठीक है। तो इस तरह से हम इसको बनाकर लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हमें बनाकर, हमें सीन वाला आ जाए तो हम इस तरह से इसको बना सकते हैं, काफी अर्न मिलेगी। और इस बार पिकनिक वाला वो तो बहुत महत्वपूर्ण है, आपको पता है, तो इसके सेंटेंसेस हमें इस तरह से बनाकर लिखने हैं, ठीक है। कुछ आपको हेल्प मिल जाएगी। अब देखिएगा एग्जाम के अंदर जो आता है, अगर आपने जो याद कर रखा है वही आता है, तब तो आपको वही लिखना है, फिर आपको ये नहीं, ये कब अपनानी है ट्रिक, जब आपको मान लो ऐसा कुछ आ जाए सीन वाला और हमने वहां पर याद नहीं है उसके बारे में, तो फिर हम ये लाइन अगर याद करके जाएंगे तो उससे हम लिख पाएंगे। मैं ये नहीं कह रहा कि आपको यही लिखना और पूरे में से पूरे नंबर मिल जाएंगे। देखो, अगर आपने सेंटेंस जो बीच में यूज किए हैं वो बिल्कुल सही किए, तब आपको पूरे चार नंबर मिल जाएंगे। इसके बाद में देखते हैं इस बार के लिए इंपॉर्टेंट कौन कौन से है, तो वो देख लेते हैं जल्दी से। तो इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है, सबसे पहले है कोविड 19, बहुत महत्वपूर्ण है, कोविड 19 पे पूछा जा सकता है। दूसरा है माय बेस्ट टीचर, बिल्कुल आसान है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, माय बेस्ट टीचर से पूछा जा सकता है, माय फेवरेट टीचर। अब देखो यहां पर क्या पूछा जा सकता है, दूसरा माय फेवरेट टीचर दे दिया, या स्कूल प्रिंसिपल दे दिया, माय प्रिंसिपल दे दिया, तो इस तरह से पूछे तो एक ही जैसा है, ये इससे रिलेटेड ही है। तीसरा है ए पिकनिक, अभी हमने देखा ए पिकनिक। उसके बाद में चौथा है, ये भी हमने देखा, ए विजिट टू ए हिस्टोरिकल पैलेस या एन एजुकेशनल टूर। एजुकेशनल टूर है तब भी हम ये लिख सकते हैं इसके जैसा ही, और वो सेम ही लाइन में हम देखो ये सीन वाले हैं, तो हम वहां पर इन दोनों में ही वो ट्रिक लगा सकते हैं, इन दोनों में हमारी ट्रिक काम आ जाएगी। ऑनलाइन स्टडी, ये बहुत महत्वपूर्ण है, इस बार पूछा जा सकता है ऑनलाइन स्टडी के बारे में, ऑनलाइन एजुकेशन के बारे में पूछा जा सकता है, ये इस तरह के प्रश्न आपको बहुत पूछे जा सकते हैं। अब देखो आपके मान लो वहां पर पिक्चर दी हुई है कंप्यूटर की, जैसे आपके किस में दे रखा है, जैसे मान लो आपके क्या दे रखा है यहां पर, वहां पर आपके जो मॉडल पेपर में दे रखा है, यहां पे स्टडी के बारे में बताया गया है कि कुछ टीचर है वो पढ़ा रहे हैं, तो हम क्या करेंगे ऑनलाइन स्टडी के बारे में लिख सकते हैं, यहाँ कंप्यूटर के बारे में भी लिख सकते हैं, ऑनलाइन स्टडी के बारे में, तो पिक्चर से रिलेटेड आते हैं तब भी हम लिख सकते हैं। पिक्चर के अंदर मान लो कुछ यहाँ पर एक गार्डन दिखाई दे रहा है, वहां पर बहुत सारे बच्चे हैं और पेड़ हैं, तब हम क्या लिख सकते हैं ए पिकनिक वाला लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं ए पिकनिक के बारे में, बच्चे हैं वहां पर और ये इस तरह के, तो पिक्चर से हम क्या है रिलेटेड जो है वो हम उससे लिख सकते हैं। उसके बाद में है मॉर्निंग वॉक, बहुत महत्वपूर्ण है मॉर्निंग वॉक, कई बार एग्जाम में पूछा गया है मॉर्निंग वॉक, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। और अगला है माय हॉबी, माय हॉबी भी बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप इन सात पैराग्राफ को अच्छे से अगर आपने कवर कर रखा है तो निश्चित तौर पे बहुत महत्वपूर्ण है, इनको एग्जाम में देखने को आपको मिल जाएंगे। लेकिन मैं ये फिर से कह रहा हूं, आप सिर्फ इनके भरोसे नहीं जाए, कुछ और तैयार करके जाए, और साथ में जो आपको मैंने ट्रिक बताई है वो ट्रिक आप तैयार करके जाए, ताकि कोई ऐसा पैराग्राफ आ जाए सीन वाला और हमने नहीं पढ़ रखा उसको, तो आप उस ट्रिक से बना सको। और दूसरा जो तरीका है हमारा ट्रिक वाला, सो वो सबसे महत्वपूर्ण क्या, हम क्या करें छोटे छोटे सेंटेंस खुद दिमाग के अंदर हिंदी के सोच के उसकी इंग्लिश बनाकर वहां पर लिखने की कोशिश करें, लेकिन उसके अंदर टेंस का अच्छे से ध्यान रखना है। अगर आपको टेंस का अच्छे से ध्यान है तो फिर आप इसको कर पाएंगे। तो चलिए आज इस वीडियो में बस इतना ही, जानते हैं दूसरे वीडियो में और बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में। तब तक के लिए धन्यवाद।